बिस्मिल्लाह अर रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दाशिन मैं हूं बहरीन सबटेन हैं, देख रहे आप हैं मेरा youtube चैनल Uh, नजीम शोएब uh, मलिक और सानिया मिर्जा की uh, डिवोर्स और डिवोर्स के बाद सना जावेद से शादी और सना जावेद से शादी के बाद uh, अभी जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं और जिस तरह की मुख्तल खबरें आ रही हैं uh, तो uh, मुझे आपको अपडेट करना पड़ा है मैं आपको अपडेट कर रही करें सबसे पहले तो कई दफा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बात करते हुए कभी कभी कोई चीज़ जो है वो गलत हो जाती है तो उसके लिए हम कर लेते होते हैं uh, कुछ खबरें जो है वो नई आ रही होती हैं पिछली जो है वो ऑप्सिनट हो रही होती हैं तो उनको भी हम करेक्ट करते हैं एट द सेम टाइम कभी कभी खबरें जो है वो आप स्टिप ऑफ टंग होता है आप कुछ थोड़ा सा गलत बोल जाते हैं लेकिन मैं माशाला अपने व्यूअर्स को दाद दूंगी कि बड़ा वो नोट करते हैं एक एक जुमले को और एक एक बात को जिसके लिए शुक्रिया आ, बहुत ही मुहतात होकर आपको खबर देनी पड़ती है कि वो खबर जो है वो स्ट्राइक बैक ना करे आ, सानी मिर्जा जो कि अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी इस वक्त जो है अच्छे से अब गुजार ही है पुरसकून होने की कोशिश कर रही है ऐसे में उन्होंने इंस्टा पर अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है बहुत लाइट सा मेकअप किया हुआ है और पहली बार उन्होंने एक ऐसा पैगाम जो है वो शेयर किया है जो कि बड़ा मानी खेज है इससे पहले उन्होंने कोई भी ऐसा पैगाम जो है अपने ऑडियंस के साथ या अपने व्यूअर्स के साथ नहीं शेयर किया था जिस पर लोग कह रहे थे कि बड़ी ही एलिगेंट तरीके से अपनी इस तलाक को जो है वो लोग कहते हैं ना अपनी शादी को कैरी करी है वो अपनी तलाक को कैरी करी है इस सेंस में कि उन्होंने कोई बदकोइयाँ नहीं की कोई बुराइयाँ नहीं की बल्कि खामोशी इख्तियार की और लोगों को ऑब्जर्व करने दिया और लोगों ने बड़ा बेहतर जज किया और लोगों ने कहा कि नहीं सानिया ठीक थी और शोएब ने जो किया वो गलत किया आ, मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि शोएब मलिक जो है उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ सानिया की कुछ आदतों को डिस्कस किया तो उसमें हर चीज में कहने का मतलब नहीं था कि सानिया कोई गलत है क्योंकि देखिए ये आदत मोरोलेस हर बीवी में होती है आ, किसी में ज्यादा किसी में कम तो ये तो कोई वजह है ही नहीं फिर तो आप शादी करेंगी ना शोब मलिक साहब को तो फिर चाहिए कि वो शादी ना करें अगर उनको लगता है कि सानिया जो है वो इस तरह से करती है या एक बीवी बन के रहती है तो शोएब मलिक साहब आपको तो फिर बीवी रखनी नहीं चाहिए क्योंकि बीवियां तो ऐसी ही होती है सानिया जो है उन्होंने वफादारी जो है अपने शोहर के साथ निभाई आखिरी वक्त तक निभाई यहां तक के आखिरी मुलाकात जब शोए मलिक की वालदा के साथ किया की तो उन्होंने सब कुछ बताया साथ ही ये भी कहा कि मैं नहीं चाहती कि अपनी शादी तोड़ूँ लेकिन मुझे उस नहज पर ले आया गया है अच्छा अब सानिया मिर्जा ने गो uh, टेलीविजन के ऊपर आकर या किसी भी प्रोग्राम में किसी भी पॉडकास्ट में आकर कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया कोई बात नहीं की कि मेरी तलाक क्यों हुई है लेकिन उन्होंने अपने एक भारतीय सहाफी दोस्त से कुछ बातें की, है। uh, बाते की हैं कुछ बातें लोगों ने शेयर की हैं इंटरव्यूज में अब कुछ और मजीद सहाफी ने वो बातें शेयर की हैं पहले तो उन्होंने बताया कि सानिया से उनकी जो मुलाकात तो नहीं बल्कि एक टेलीफोनिक बात हुई और उनका रबता था और वहां पर सानिया ने अपने दिल का हाल उनको बयान किया और कुछ बातें बताई उसके बाद एक और इंटरव्यू उनफी का जो है वो सामने आता है जिसमें वो मजीद कुछ बातें जो है वो शेयर करते हैं और उसमें वो कुछ मजीद बातें बताते हैं क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद उनकी अ, एक और गुफ्तू हुई है सानिया मिर्जा के साथ जिसमें सानिया ने उनको अपने दिल के, दिल के मजीद हाल बताए हैं लेकिन साथ ही कहा है कि कुछ बातों को आपने सीधे राज में रखना है ये उनका कहना है अच्छा अब पहली बात जो है मैं आपको बताती चलूँ उन्होंने कहा कि मेरी सानिया से बात हुई है और सानिया कहती हैं कि तलाक से पहले मेरी शोय मलिक की वालदा से एक डिटेल मुलाकात हुई मैं बाकायदा गई और सियालकोट जाके मैं उनकी वालदा से मिली देखिए मैंने भी आपको बताया था कि सानिया मिर्जा की उनकी वालदा से एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में उन्होंने अपने दिल का हाल उनको बताया और यही बात जो है अब वो रिपोर्टर जो है वो भी बता रहे हैं इंडियन रिपोर्टर है इनका नाम अनुपम शिव है और इन्होंने ये भारतीय रिपोर्टर है बेसिकली स्पोर्ट्स रिपोर्टर है और चूंकि स्पोर्ट्स के रिपोर्टर है तो उनका रबता सानिया के साथ रहता है पहले भी रहता था खेल की खबरों की वजह से और अब जब उन्होंने सानिया को फोन किया कुछ हालात जानने के लिए तो जहां दीगर लोगों के फोन तो नहीं उठा रही थी उन्होंने इनसे बात की और इनको बताया कि मैं इनकी वालदा से भी मिली थी मैंने उनको बताया था कि मामला क्या चल रहे हैं अब सानी ने एक बात कही बड़ी मुझे अच्छी लगी वो बात उसकी कि उसने कहा कि हमारी फील्ड ऐसी है कि शोएब को लड़कियों से और मुझे मर्दों से मिलना पड़ता है तो ऐसे में मैं कोई तंग नजर नहीं हूँ या तंग दिल नहीं हो कि मैं उनको रोकती या मैं मना करती लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ ना कि मुझे ये फैसला करना पड़ा उन्होंने कहा कि मेरी ड्रेसिंग जो है या मेरा जो सारा गेटअप है या मेरा जो भी मूवमेंट्स है या जो भी मेरा काम है वो इस तरह का है बड़ा बोल्ड है बोल्ड से मतलब ये है कि आजाद ख्याल है वो बेसिकली और आजाद ख्याल नॉट इन ए नेगेटिव सेंस तो वो कहती है कि मैं तो मर्दों का औरतों के साथ औरतों का मर्दों के साथ ताल्लुक पे मुझे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि बात करनी पड़ती है ताल्लुक यहां तक हो तो बुरी बात नहीं है दोस्ती हो सलाम दुआ हो तो बुरी बात नहीं है लेकिन कहती है जो मैंने देखा शोएब में और जो मैंने शोएब की कुछ बातें देखी कुछ मुझे हमारे कॉमन फ्रेंड्स ने बताई और कुछ मैंने इनकी चैट्स पढ़ी जी हाँ उन्होंने बाकायदा सहाफी को बताया कि मैंने शोयमले की कुछ चैट्स पढ़ी थी आ, कुछ चैट्स मैंने पहले भी पढ़ी जिनको मैंने इग्नोर किया अच्छा पहले तो इंसाफ ने बताया कि शोएब मलिक की सरा जावेद के साथ चैट्स जो है उन्होंने पढ़ी हैं और उसके बाद उन्होंने शोएब से जब आ, आ, उन्हें कन्फ्रंट किया तो उन्होंने कहा कि आ, ये तो हमारे कोलीग्स हैं और कुलग्स में तो ऐसा तो चलता है और मैं उनके साथ प्रोग्राम्स करता हूँ और इनकी जो एक दोस्ती शुरू हुई थी जी तो पाकिस्तान से और वहां पे ये दोनों जो है प्रोग्राम में जैसा कि सब कहते हैं कि इनकी ज्यादा जो मेल जोल दोस्ताना जो शुरू हुआ वहां से शुरू हुआ था तो उन्होंने ये कह के उनको डाउन कर दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन वो कहती कि मैं के अंदर ये चीजें बहुत पहले से देख रही थी बहुत कुछ होता था अपने कोलीग्स के साथ लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक होना बहुत फ्रैंक मैसेजेस मैंने पहले भी पढ़े लेकिन इस दफा जो मैंने सना जावेद के साथ मैसेजेस पढ़े तो वो आ, सब हदे पार किए हुए थे उनके मुताबिक उनको वो या तो अच्छे नहीं लगे बहुत बुरे लगे वो कहती है कि दो साल से उनके तलुकत जो है शोएब के साथ ऑफ एंड ऑन चल रहे थे कभी अच्छे कभी बुरे बीच में वो आती भी रही सोलह सफाई भी हुई फिर वापस चली गई क्योंकि उनका बेटा था दोनों के जो ताल्लुक थे बेटे की वजह से इस्तेवार रहते थे फिर वो कहती है कि आखिरकार जब मैंने आ, अभी लास्ट आपको याद होगा तो जब वो पाकिस्तान भी आई हुई थी वो बहुत सी अपनी आ, छोटी छोटी स्टोरीज जो है इंस्टा के ऊपर शेयर किया करती थी बड़ी क्यूट स्टोरीज होती थी जहाँ शोएब मलिक भी होते थे वो भी होती थी जब मैच भी हुआ पाकिस्तान का इंडिया का उसमें भी आपने उनको देखा बड़ा एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया अपने मियाँ के साथ भी खड़े थी, तो अपने मुल्क के साथ भी खड़े दिखाई थी तो ऐसे में वो कहती है कि मैंने इस दफा जो मैसेज पढ़ा वो इस काबिल नहीं था वो ऐसा नहीं था जो एक कुलीग अपने कुलीग को भेजता हो या एक दोस्त अपने दोस्त को भेजता हो मुझे वो अच्छा नहीं लगा दो साल से जो ताल्लुक खराब हो रहे थे उनको आठ महीने पहले पढ़ी जाने वाली चैट ने बिल्कुल आखिरी ज पे पहुंचा दिया यानी कि बिल्कुल उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाने वाला वो मैसेज था जो उन्होंने सना जावेद का पकड़ा उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने जब मैं इनकी वालदा से मिली तो मैंने फिर इनकी वालदा को जाके सब कुछ बताया मैंने इनकी वालदा को जाकर एक एक बात बताई और वो जो चैट पढ़ी थी वो भी बताई उसके बाद वो कहती हैं कि इनकी वालदा का रवैया अच्छा था वो भी नहीं चाहती थी कि हमारे दमैन अलहद की हो वो कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि मेरा बेटा जो है वो तो मेरे साथ रहेगा फिर तो कोई भी उससे नहीं मिल सकेगा बड़ा मुश्किल होगा उसके साथ मिलना और वालदा जो है दादी जो है बेटे से बहुत पोते से बहुत प्यार करती हैं वो बड़ी परेशान भी हुई इस बात पे। वो कहती हैं कि दादी भी भी चाहती थी खानदान वाले भी चाहते थे और मैं भी चाहती थी कि रिश्ता बनता रहे लेकिन शोएब जो है उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी बजाय इसके कि अपनी गलती को मानते वो और आगे से होकर मिले यानी कि अपनी ही बात को पक्का करते अपनी ही बात के ऊपर खड़े हुए ढिटाई के साथ तो ये चीज़ जो है ये मेरी बर्दाश्त से बाहर थी और जब मैंने चाहा कि वो अब इन फीमेल जो एक्ट्रेसेज हैं इनके साथ अपने तल्लत को लिमिट करें और ये हरकतें दोबारा ना करें तो मुझे उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो सामने नजर नहीं आया उसके बाद वो कहती है कि मैं वापस आ गई और जब मैं वापस आई तो मैं बड़े बोझल दिल के साथ वापस आई मैं उसको ये फैसला कर चुकी थी कि अब मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना है तो उसके बाद वो कहते हैं कि सानिया ने ये भी मुझे कहा कि जो शख्स अपने बेटे का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा ये बात तो वाकई सच है क्योंकि इंसान जब औलाद हो जाती है तो अपने आप को छोड़ के अपनी औलाद के लिए सोचता है वो बहुत सी चीज़ों को छोड़ देता है अपने घर को बचाने के लिए अपने आप को सही करने की कोशिश करता है अपनी औलाद के लिए लेकिन यहाँ पर सानिया का ये कहना है कि शोएब ने अपने बेटे को भी खातिर में नहीं लाया और वो कहती है कि मैं अब इसके बाद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो कहती कि मैं खामोश रही क्योंकि मेरी तरबियत में नहीं कि किसी के बारे में गलत बात करना लेकिन उन्होंने अपने दिल का हाल जो है और जाहिर सी बात है कोई ये कहे कि क्यों उनसे बात की और किसी और से नहीं की बड़ा अच्छा किया आपने अपना पैगाम भी पहुंचा दिया और बड़े एलिकेंटली आपने पहुंचाया पहुंचाना चाहिए मैं समझती हूँ कि उनको चाहिए कि अपने क्लोज सर्कल में बात करें और लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या हुआ क्योंकि लोग जो उनको पसंद करते हैं जो उनकी फैन फॉलोइंग है उनको बहुत दुख हुआ लोगों को ये देखकर बहुत तकलीफ हुई जब उन्होंने देखा कि शोएब मलिक ने एक ऐसी हस्ती मुस्कुराती तस्वीर जो है उसे शेयर किया और उसके बाद बहुत सी तस्वीर शेयर की फोटोशूट बाकाया शेयर किया गया और दूसरी तरफ सानिया मिर्जा जो है अपने बेटे के साथ बिल्कुल तन, तन तने तनहा है लेकिन मैं आपको एक ये भी बात बताऊं कि अनकरीब सानिया मिर्जा की भी आप एक अच्छी खबर सुनेंगे और उनकी भी शादी की कोई बातें सुनने में आ रही हैं कुछ ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनके वालदे चाहते हैं कि किसी जगह उनका रिश्ता जो है वो तय पा जाए जो कि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में भी बताया है और इस तरह से ये रिश्ता अपने अंजाम को पहुँचा लेकिन वालद बहुत चाहते थे कि रिश्ता कायम रहे लेकिन ना रह सका और अब सब जो है इस वक्त शोएब मिर्जा को बहुत बुरा भला भी बोल रहे हैं शोएब मलिकमार के साथ और सानिया मिर्जा के लिए सबकी हमदर्दियाँ हैं वो भी पाकिस्तान की बहू है और ऐसा नहीं है कि कोई भारत से है तो उसके लिए कोई गलत जस्चर होगा या कोई गलत रवैया होगा जिसके साथ भी नाइंसाफी होगी हम वहाँ पर ही खड़े होंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा दो हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़